सर एक के बाद एक जहरीली शराब से जिस तरीके से मेरे प्रदेश में हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू हुई है, स्वतः इसका संज्ञान लेते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं। के मंत्री और राज्य सरकार और पूरा प्रशासन तंत्र जिस तरीके से सर इस घटना को दबाने का प्रयास कर रहा है, एक स्ट्रिंग ऑपरेशन करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाई कि वहाँ पर सबको पता है कि किस तरीके से वहाँ पे शराब की बिक्री हो रही है। बिहार में जहरीली शराब कांड का तांडव का मामला अब लोकसभा में भी उठना शुरू हो गया है। चिराग पासवान ने इस मुद्दे को लेकर के लोकसभा में जबरदस्त तरीके से भाषण दिया है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार के छपरा मसरक में जिस तरीके से जहरीली शराब कांड के बाद लोगों की लगातार हो रही मौत का मुद्दा लोकसभा में उठाया, जिसके बाद लोकसभा में भी ये मुद्दा काफ़ी गर्म हो गया और CBI जाँच कराने की मांग चिराग पासवान ने उठा दी है। हम आपको सुनाते हैं चिराग पासवान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं लोकसभा में। चिराग पासवान ने जहरीली शराब कांड को लेकर के बिहार में न सिर्फ छपरा बल्कि अन्य जिलों में जिस तरीके से लगातार हो रही है जहरीली शराब कांड से मौत, उसका मुद्दा लोकसभा में उठाया है चिराग पासवान ने। सुनाते हैं हम आपको चिराग पासवान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। सर आज मैं भी आपके समक्ष अपने प्रदेश बिहार को बचाने की गुहार लेकर इस संसद के सामने सर खड़ा हुआ हूं। सर एक के बाद एक जहरीली शराब से जिस तरीके से मेरे प्रदेश में हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू हुई है और उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री और राज्य सरकार और पूरा प्रशासन तंत्र जिस तरीके से सर इस घटना को दबाने का प्रयास कर रहा है, सर कल जिस तरीके से ABP न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाई और यह दिखाया कि वहां पर सबको पता है कि किस तरीके से वहां पे शराब की बिक्री हो रही है, पर तमाम महागठबंधन के नेता खामोश हैं क्योंकि वो भी इसमें लिप्त हैं। सर मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से स्वतः इसका संज्ञान लेते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं और तमाम हत्याओं की CBI जांच। श्री AH खान चौधरी, श्री अब्दुल गनी खान चौधरी, बोलिए सर, सर प्लीज योर नेम।